शुरू करने के पहले हम अपने मेन टॉपिक कोसेट डिकम्पोजिशन में आएँ, उसके पहले कुछ चीज़ें बेसिक जो कि इसमें ज़रूरत पड़ना है वो अपन स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है ग्रुप, समूह। व्हाट इज़ ए ग्रुप? ग्रुप इज़ एक्चुअली ए नॉन एम्प्टी सेट विच सेटिस्फाई सर्टेन एक्ज्यूम्स फॉर द ऑपरेशन से ओ। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन वी से इट फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एक्ज्यूम्स आर सेटिस्फाइड। तो बेसिकली जो ग्रुप है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है ओ ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। ये जो एक्ज्यूम्स हम लिखने जा रहे हैं, चार एक्ज्यूम्स हैं, इनको सेटिस्फाइड करें। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स यदि इस सेट जी के हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं और उन्हें ओ ऑपरेशन के अंतर्गत ऑपरेट करें तो रिजल्टेंट परिणामी भी उसी के बीच में ही, उसी जी के भीतर ही होना चाहिए। दैट इज AOB is again inside G for what? For every A and B which are the members of G. So that is known as closure property या संवरक नियम। संवरक नियम मतलब कि यह सेट क्लोज है, इसके कोई भी दो एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करें तो रिजल्ट छटक के बाहर नहीं जाता, उसी के भीतर होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सहचर्य का नियम, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। सहचर्य का नियम क्या है? सहचर्य का नियम कि हम इसके कितने भी एलिमेंट्स, एग्जाम्पल जरूर अपन तीन पर देंगे, कितने भी एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो रिजल्टेंट जो है वो उसी के भीतर होना चाहिए। इन जी एसोसिएटिव लॉ मस्ट होल्ड दैट इज AOBOC is equal to AOBOC for every ABC which are the members of G. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी तीन मेंबर से यदि हम ABC उठा रहे हैं तो इन्हें किसी भी मैनर में ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे हम AOB को पहले ऑपरेट करके उस पर C को ऑपरेट करें या पिछले पहले दो ऑपरेट कर लें और फिर इस पर पहला ऑपरेट करें, दोनों रिजल्ट बराबर होना चाहिए। वर्ड्स में इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज members of G can be operated in any manner, किसी भी तरीके से ऑपरेट किए जा सकते हैं, पहले दो ऑपरेट करके तीसरा करें या पीछे के दो ऑपरेट करके फिर हम पहला ऑपरेट करें, दोनों रिजल्ट बराबर होना चाहिए। यदि केवल ये दो ही एक्ज्योम सेटिस्फाइड हो रही हैं तो ये कहलाता है आपका सेमी ग्रुप, अर्धसमूह। ये दो तो होल्ड हुई हो, साथ ही साथ दो चीजें और होल्ड होना चाहिए तो ये कहलाता है ग्रुप। क्या है अगली दो चीजें? नंबर तीन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर इसमें मिलना चाहिए। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये अपन देखेंगे बच्चों। देयर एग्जिस्ट, यहां पाया जाए एन एलिमेंट, एक एलिमेंट पाया जाए, स्पेशल एलिमेंट ई इन जी में एक विशेष एलिमेंट पाया जाए ई। ये आगे जाके ई एलिमेंट क्या कहलाने वाला है? आइडेंटिटी एलिमेंट कॉल्ड, जो कि आगे जाके क्या कहलाएगा? कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो जी में एक विशेष एलिमेंट मिले ई, सच दैट क्या गुण होना चाहिए इसका? सच दैट ई ओ ए इज इक्वल टू ए ओ ई, बोथ आर सेम एज ए। एकाध के लिए नहीं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। मतलब हम कह रहे हैं जी के किसी भी एलिमेंट ए पर यदि हम अपने इस स्पेशल एलिमेंट ई को ऑपरेट करें तो ए की सेहत पर कोई फर्क
नहीं पढ़ना चाहिए, ए पे चाहे ई को ऑपरेट करें या ई पे ए को ऑपरेट करें, रिजल्ट दोनों से कितना ही आना चाहिए, ए, यानी ए में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो एलिमेंट है ई, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाया करता है, ये ज़रूर पाया जाना चाहिए। और ये काहे पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन पर, और चूंकि ऑपरेशन एक ही है इसलिए ये एलिमेंट कैसा होता है, यूनिक हुआ करता है। इट डिपेंड्स अपॉन काहे पर निर्भर करता है ये, अपॉन द ऑपरेशन ओ, इसलिए ये यूनिक होगा क्योंकि ऑपरेशन भी हमारे पास एक ही है। डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन ओ हैंस यूनिक, अतः ये क्या होगा, यूनिक होगा क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन भी एक ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर पाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपन साधारण संख्याओं में देखें, नंबर्स में, और हमारा ऑपरेशन यदि एडिशन का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करेगा, जीरो, क्योंकि जीरो ही ऐसा नंबर है जिसको किसी भी दूसरे के साथ ऑपरेट करें यानी ऐड करें तो उस नंबर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही नंबर्स के साथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, वन। क्यों होगा, क्योंकि वन ही ऐसा नंबर है जो कि किसी भी दूसरे के साथ ऑपरेट किया जाए, यानी यहां पर क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वन से करें तो रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो फॉर सेट ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन यदि हम ऑपरेशन कौन सा सेलेक्ट करते हैं, एडिशन, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी इज जीरो, बट फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज वन। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाया करता है, ये ज़रूर पाया जाना चाहिए, चूंकि ये ऑपरेशन पर डिपेंड कर रहा है इसलिए निश्चित तौर पे यूनिक एलिमेंट होगा। कम टू नेक्स्ट, फोर्थ एक्सियोम, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। हर वहाँ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को केवल आइडेंटिटी एलिमेंट कहा था क्योंकि वो यूनिक था, एक और मात्र एक था, यहाँ हम कह रहे हैं इनवर्सेस, हर एलिमेंट का इनवर्स पाया जाना चाहिए। टू ईच ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के हर मेंबर ए के लिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक नया एलिमेंट पाया जाए, कौन सा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जो कि आगे जाके क्या कहलाने वाला है, कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो हर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी की खातिर एक नया एलिमेंट होना चाहिए, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, जो कि आगे जाके क्या कहलाने वाला है, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए, सच दैट, कैसा होना चाहिए, इसका क्या गुण होना चाहिए, सच दैट ए पर यदि हम ए इनवर्स को ऑपरेट करें तो रिजल्ट बराबर कितना मिल जाए हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट, या एक ही चीज़ है, ए इनवर्स पर ए को ऑपरेट करें तो भी रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा उस एलिमेंट का इनवर्स भी बदलता जाएगा। तो ये ऑपरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और एलिमेंट पे भी। इट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेशन ओ एज वेल एज द एलिमेंट ए। ये एलिमेंट पे भी निर्भर कर रहा है और ऑपरेशन पर भी, इसलिए ये हर एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होगा। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, मान लीजिए सेट काहे का है, इंटीजर्स का सेट है, ऑपरेशन हमारा एडिशन का है, तो 5 के लिए इन्वर्स एलिमेंट कौन होगा, -5, 6 के लिए कौन होगा, -6, और हम -8 उठा लें तो उसके लिए कौन होगा, +8। लेकिन यही यदि हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो जाए, लेकिन सेट हमारा रैशनल नंबर्स का लेके चलें अपन, क्योंकि बटे टाइप की संख्या तो इंटीजर्स में होती नहीं है, तो जैसे 5 अपन उठा रहे हैं तो इसका इन्वर्स कौन होगा, 1/5। क्यों होगा, क्योंकि 1 × 1/5 से ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है, तो ये कहलाता है इन्वर्स एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स पाया जाना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें यदि होल्ड होती हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप। यहीं एक और डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा
ये चार कंडीशंस या एक्सियोम्स तो सेटिस्फाइड हो ही हो, साथ में ये एक पांचवा आइटम और होल्ड हो रहा है, कौन सा? अबेलियन या कमुटेटिव लॉ। कमुटेटिव लॉ, कमुटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी ऑपरेटेड, ऑपरेट किए जा सकें इन एनी ऑर्डर। वहां एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या कहा था, एनी मैनर, वहां क्रम नहीं बदलना था, केवल गुणा करने का या ऑपरेट करने का तरीका बदलना था। यहां हम कह रहे हैं क्रम भी बदल सकते हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं, दैट इज ए ओ बी इज सेम एज बी ओ ए, हमें मिले एकाध के लिए नहीं, फॉर एवरी ए एंड बी विच आर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जी। यदि ये चीज पाई जाती है तो हम कहते हैं कि कमुटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। पांचों आइटम होल्ड होने पर वो साधारण ग्रुप न कहला के बल्कि क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप। तो ये अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप क्या है, वास्तव में एक बीजीय संरचना है, एक नॉन एम्प्टी सेट किसी एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये चार आइटम होल्ड कराता है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप, समूह। तो ये एक डेफिनेशन हुई जो कि आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने भले ही इस यूनिट में ना हो पुरानी चीज़ें रिवाइज कर ली ताकि आगे हमें आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं अपन, दैट इज सब ग्रुप। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे होता है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, उसी तरह से सब ग्रुप। वैसे दुनिया में कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती जब तक हम दो की आपस में तुलना ना करें। तो एक ग्रुप हमारे सामने होना चाहिए, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाएंगे तो वो सब ग्रुप कहलाएगा। कब, जबकि खुद में तो वो ग्रुप हो लेकिन उस बड़े वाले ग्रुप के सामने चूंकि साइज में छोटा है इसलिए उसका हम क्या कहते हैं, उसको सब ग्रुप। तो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, बल्कि इसका ऑपरेशन भी लिख दें ओ, इज सेट टू बी ए, यानी कहलाता है, क्या कहलाता है, इज सेट टू बी ए सब ग्रुप। कब कहलाएगा ये एच सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ इटसेल्फ, स्वयं में इटसेल्फ एच फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ओ, सेम वही का वही ऑपरेशन होना चाहिए। तो उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच जो कि सबसेट था खुद में क्या बना रहा है, ग्रुप, तो वो जी के सामने क्या कहलाएगा, उसका सब ग्रुप। तो ये सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर घुसने की अपन को ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर दो रिजल्ट ज़रूर देख लें। पहला रिजल्ट है इसकी प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। मान लीजिए एक बड़ा ग्रुप है जी के दो अलग अलग सब ग्रुप हैं H1, H2, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक नया क्या हुआ करता है, सब ग्रुप हुआ करता है। तो ये चीज़ मिल गई, लेकिन यूनियन पे ये चीज़ नहीं होती। दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं का यूनियन जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप ही होगा, बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए, आवश्यक नहीं है सब ग्रुप, दो सब ग्रुप्स का यूनियन जरूरी नहीं है सब ग्रुप हो। लेकिन हमने मना भी नहीं किया, कभी कभी होता भी है। कब होता है, इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज कंटेंड इन अदर, उन सब ग्रुप्स में से कोई एक सब ग्रुप दूसरे में समाया हुआ हो। यूनियन इज ए सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, वो भी सब ग्रुप होता है, हमेशा तो नहीं। इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक इज कंटेंड इन अदर, दूसरे में समाया हुआ हो, कंटेंड इन अदर। तो ये दो रिजल्ट्स हैं सब ग्रुप के ऊपर जो कि हमें याद रखना है। एक और रिजल्ट देना चाहूँगा जो कि याद रखना आगे काम आएगा। तीसरी चीज, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स देन देयर प्रोडक्ट मीन्स एच एंड टू के इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, लेकिन हमेशा नहीं, इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब, कब, जबकि एच के इक्वल टू कितना हो जाए, के एच। दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं एच और के,
का गुणा हमेशा जरूरी नहीं कि सब ग्रुप हो, लेकिन हमने मना भी नहीं किया, कभी कभी होता है। तो ये कब हो सकता है या कब होता है, जबकि उनके गुणे पर कमुटेटिव ला होल्ड हो, यानी एच इन टू के बराबर क्या मिले, के इन टू एच। तो ये सब ग्रुप के ऊपर कुछ चीजें हो गई। नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज कोसेट डिकम्पोजिशन। व्हाट इज कोसेट डिकम्पोजिशन? कोसेट डिकम्पोजिशन सह समुच्चय वियोजन क्या चीज है, पहले अपन समझ लें, फिर सही से राइटिंग करते हैं सेटेड वर्ड्स में। मान लीजिए कोई एक ग्रुप है जी और इसका कोई एक सब ग्रुप है एच। जहां पर भी सब ग्रुप होता है वहां हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? कोसेट्स तैयार कर सकते हैं। कोसेट्स काहे के तैयार होते हैं? सब ग्रुप के तैयार होते हैं। काहे में तैयार होते हैं? बड़े ग्रुप में तैयार होते हैं। और काहे की मदद से तैयार होते हैं? वो जो बड़ा ग्रुप है जी हमारा, उसके एलिमेंट्स की मदद से। तो मान लीजिए ए कोई भी एलिमेंट है, यहां से यहां तक कोई भी हो सकता है, ए बिलोंग्स टू जी। अब मान लीजिए आपका जो सब ग्रुप है एच, ये है आपका एच वन एच टू एच थ्री, इसमें ये मेंबर हैं कुछ सिलेक्टेड एच एम। तो इसका जो कोसेट हम बनाते हैं एच का, कोसेट्स काहे के बनते हैं? सब ग्रुप के। और काहे में बनते हैं? बड़े ग्रुप में बनते हैं। और काहे की मदद से बनते हैं? ग्रुप बड़े ग्रुप के एलिमेंट्स की मदद से। तो मान लीजिए ए की मदद से हम बनाना चाहते हैं, तो नाम होता है इसका एच ए। ये कहलाता क्या है? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए। राइट कोसेट ऑफ एच, सब ग्रुप के बनते हैं कोसेट, और काहे में बनते हैं इन जी, और काहे से बना है ये जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें गुणा कर दिया गया है। एच वन ए इसके मेंबर होंगे एच टू ए एच थ्री ए एच फोर ए एंड सो ऑन एच एम ए। तो ये होता है आपका राइट कोसेट। सिमिलरली एक लेफ्ट कोसेट बनेगा, तो राइट और लेफ्ट का नामकरण कैसे हो रहा है? जब हम जी का एलिमेंट जो स्मॉल ए हमने पकड़ा राइट में रखते हैं, गुणा करते हैं, तो राइट कोसेट कहलाता है, और लेफ्ट में रखते हैं तो लेफ्ट कोसेट कहलाता है। और इसके मेंबर्स कैसे हो जाएंगे फिर? ए एच वन ए एच टू ए एच थ्री ए एच फोर एंड सो ऑन ए एच एम। तो ये इसके जो है एलिमेंट्स हुआ करते हैं। तो वास्तव में क्या देखा अपन ने? पहली चीज तो कोसेट्स काहे के बनते हैं? सब ग्रुप के बनते हैं। काहे में बनते हैं? बड़े ग्रुप में बनते हैं। और किसकी मदद से बनते हैं? बड़े ग्रुप के एलिमेंट से। तो अपन अब लिख रहे हैं, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एंड मान लीजिए कि ये जो सब ग्रुप है हमारा, इसके मेंबर्स क्या हैं? एच वन एच टू एच थ्री एंड सो ऑन एच एम या एच एन, जितने भी अपन ले लें। एंड देन वी कैन फॉर्म, तब हम तैयार कर सकते हैं क्या? कोसेट्स ऑफ, जहां भी सब ग्रुप होता है वहां कोसेट्स बनाए जा सकते हैं। ऑफ काहे के? सब ग्रुप के, यानी कि एच के। और काहे में बनाए जा सकते हैं? इन जी। और काहे की मदद से बनाए जा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ, कहां के मेंबर्स की मदद से? मेंबर्स ऑफ बड़ा ग्रुप जी। दैट इज, इसका मतलब क्या निकला? कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, बड़े ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट अपन ले लें, बड़े ग्रुप का अपन कोई भी एलिमेंट ले लें, देन द राइट कोसेट ऑफ, द राइट कोसेट ऑफ, काहे का कोसेट ऑफ एच इन जी इज डिनोटेड बाई एच ए, एंड इट इज इक्वल टू एच वन ए एच टू ए एच थ्री ए एंड सो ऑन एच एम ए। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट इज ए एच, और इसके मेंबर्स होंगे ए एच वन ए एच टू एंड सो ऑन ए एच एम। तो अभी हमने कोसेट डिफाइन किया बच्चों, थोड़ा सा अपन ब्रेक लेंगे, और इसके बाद तब तक आप लोग रिवाइज करिए इसको, उसके बाद अपन फिर शुरू करेंगे ब्रेक के बाद।
तो ये अपन ने लेफ्ट और राइट कोसेट्स डिफाइन किए. इन जनरल दे आर नॉट इक्वल. भले ही चाहे सेम एलिमेंट ए से बनाया लेफ्ट कोसेट और दूसरा राइट कोसेट, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं होते. इन जनरल ए एच यानी कि लेफ्ट कोसेट इज नॉट इक्वल टू एच ए. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा हो. तो अपन ने क्या देखा कि इन जनरल ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते. बट इफ द ग्रुप जी इज, इफ द बड़ा वाला जो ग्रुप है हमारा जी इज अबिलियन, बाई चांस यदि वो ग्रुप कैसा है अबिलियन ग्रुप है, देन निश्चित तौर पे कोई भी ए एच आई मेंबर लेंगे तो वो एच आई ए के बराबर हो जाएगा. इसलिए पूरा ए एच ठीक बराबर हो जाता है एच ए के. मतलब इफ द ग्रुप जी इज अबिलियन देन देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट कोसेट, सो दे विल बी पक्का इक्वल. तो इसलिए एक दूसरे के ये क्या होंगे, बराबर होंगे. लेकिन यदि हमें ग्रुप जी के बारे में नहीं मालूम है कि वो अबिलियन है कि नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे. तो इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, बट इफ द ग्रुप इज अबिलियन देन पक्का दे आर इक्वल. तो ये एक दूसरे के बराबर हुआ करते हैं. इसके ऊपर छोटे मोटे रिजल्ट्स, प्रश्न उठा हाउ मैनी कोसेट्स ऑफ एच इन जी कैन बी फॉर्म्ड. कितने कोसेट्स हम बना सकते हैं? कोसेट बनता काहे से है? जी के मेंबर से. तो निश्चित तौर पर कितने कोसेट्स पॉसिबल हैं? जितने जी में मेंबर हैं. इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोसेट्स जो होते हैं इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. ग्रुप जी में जितने एलिमेंट, ऑर्डर क्या होता है किसी ग्रुप का, जितने उसमें कुल एलिमेंट उपस्थित होते हैं, तो जितने जी में मेंबर हैं उतने कोसेट्स पॉसिबल हैं. हालांकि आगे जाके हम देखेंगे जरूरी नहीं है वो सारे के सारे अलग अलग हों, कई कोसेट्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. बट द टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स, डिफरेंट अलग अलग कोसेट्स की जो संख्या होती है इज लेस, वो संख्या कम होती है. पॉसिबल तो उतने ही है जितने जी में मेंबर हैं, लेकिन अलग अलग जितने होंगे उनकी संख्या कुछ कम हुआ करती है. कितनी कम होती है अभी आगे अपन एक थ्योरम में जाके देखेंगे. हियर एक चीज याद रखना है कि हमने एक सब ग्रुप एच का कोसेट बनाया किसी एक मेंबर ए से, और बाई चांस ये कितना मिल रहा है, ठीक बराबर एच के. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पक्का वो जो एलिमेंट ए है बिलोंग्स टू काहे का ही है, एच का. वैसे तो हम ए कहां का मेंबर पकड़ते हैं, जी का, बड़े वाले ग्रुप जी का, और ये एच इसका क्या है, सब ग्रुप है. लेकिन हमने क्या देखा कि एच ए बराबर एच पाया गया, इसका मतलब पक्का ये जो मेंबर ए है जी का तो है ही है, लेकिन ये कौन सा वाला है विच इज ऑल्सो इन साइड ए, तभी उसका कोसेट एच के बाहर नहीं जा रहा है. एच सब ग्रुप है यानी खुद में ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो सारे रिजल्ट उसी के भीतर ही भीतर रहते हैं. तो ये एक रिजल्ट अपन को याद रखना है. यहां पर मान लीजिए हम एच का कोसेट ई से बना रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो पक्का ये ठीक बराबर हमेशा एच के ही मिलेगा. तो इन चीजों को अपन को याद रखना है. कम टू नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स अपन को देखना है. इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, नेचुरली हम ऑपरेशन क्या लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को स्टैंडर्ड ऑपरेशन माना गया है. यदि हमारे सवाल में ऑपरेशन नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, या कोई दूसरा ऑपरेशन वो चाहते हैं, तो फिर उन्हें लिखना होगा. तो अपन को ये याद रखना है स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है. तो इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन थ्योरम अपन दो तीन इस पर कर रहे हैं, बल्कि इसको मैं नंबर अब देना चाहूँगा थ्योरम वन. क्या है ये चीज, कॉमन हो गई दोनों तीनों थ्योरम के लिए, कि एच ए इक्वल टू एच बी इंप्लाइज्ड एंड इंप्लाइज बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. पहला अपन इसका प्रूफ देख रहे हैं. क्या कि दो कोसेट्स बराबर हैं एच ए और एच बी, तो हमें प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये राइट कोसेट्स बराबर हैं, तो इनवर्स भी किस एलिमेंट पे जा रहा है, राइट वाले एलिमेंट पे जा रहा है. कैसे प्रूफ करेंगे? हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली,
एच ए इक्वल टू कितना है एच बी। इससे हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं, एच ए इक्वल टू एच बी तो था ही हमारे पास, यहां भी हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी बी इनवर्स से, मतलब अपन ने क्या किया पोस्ट, पोस्ट यानी पीछे से और प्री यानी पहले से, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हम कर सकते हैं, यस। बी कहाँ का मेंबर था, ये जो थ्योरम्स हैं ये कहे के लिए, फॉर एवरी ए एंड बी विच आर द मेंबर्स ऑफ जी, तो बी कहाँ का मेंबर था, जी का, और जी क्या है एक ग्रुप, ग्रुप है तो पक्का हर एलिमेंट का इनवर्स भी वहीं के वहीं पाया जाएगा। बी इनवर्स विच इज ए मेंबर ऑफ, विच इज ए मेंबर ऑफ जी, चूंकि ये मेंबर है जी का तो जी के मेंबर से ही तो हम कोसेट तैयार करते हैं, तो ये एक तरह से कोसेट तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज मिल गया। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू एच ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एच बी बी इनवर्स, ये क्या लगाई हमने, एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य का नियम। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज एच ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू एच ई, ये चीज क्या है, इनवर्स का गुण, किसी एलिमेंट से उसके इनवर्स का गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका उपयोग किया हमने। व्हाट नेक्स्ट, इससे क्या मिल जाएगा, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच, ये आइडेंटिटी का गुण है, आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी से भी गुणा करेंगे अपन तो एच ई बराबर ज्यों का त्यों क्या मिलेगा एच, तो ये कुल मिला के हमको प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं एच ए बी इनवर्स बराबर कितना है एच, तो अभी एक मैंने रिजल्ट लिखा था, याद करिए क्या लिखा था कि बाई चांस एच ए बराबर एच पाया जाता है तो पक्का ये ए मेंबर काहे के भीतर का होगा, जी के भीतर का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये काहे के भीतर का रहा होगा एच के, तो इस रिजल्ट का उपयोग करें तो हम क्या देख रहे हैं एच का कोसेट बन रहा है काहे से ए बी इनवर्स से, और फिर भी रिजल्ट कितना आ रहा है एच, इसका मतलब पक्का ये जो मेंबर है काहे के भीतर का है बिलोंग्स टू एच, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया एक पार्ट। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ डबल इम्प्लीकेशन लगा है, मतलब इससे ये चीज इम्प्लाइज होती है और इससे ये चीज इम्प्लाइज होती है, तो अब कन्वर्स पार्ट अपन करने जा रहे हैं, कन्वर्सली विलोमतः, कन्वर्सली क्या लेके चलें, इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ए बी इनवर्स कहाँ का मेंबर है एच का, एच का मेंबर है, तो इससे यदि हम कोसेट तैयार करेंगे तो वो कितने के बराबर पाया जाएगा ठीक एच के, यही वाली चीज, क्योंकि ये भी दोनों तरफ से लागू होती है, ए यदि एच के भीतर का मेंबर है तो इससे तैयार हुआ कोसेट ठीक बराबर कितना होगा एच, इसका उपयोग किया तो ये चीज मिल गई। नेक्स्ट इससे अपन क्या देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच, अब हमने दोनों तरफ से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया काहे से बी से, मतलब हमने क्या किया पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी, तो ये चीज मिल गई। एसोसिएटिव ला लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बी, इन दोनों को पास पास ले आए अपन, दिस इज इक्वल टू एच बी, ये कहलाता है आपका क्या यूज किया आपने एसोसिएटिव ला, तो ये चीज मिल गया। व्हाट नेक्स्ट, दिस इज एच ए ई, बी इनवर्स बी एलिमेंट से उसके इनवर्स का गुणा यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिस इज इक्वल टू एच बी, तो हम क्या लिख रहे हैं यहां बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्सेस का यूज किया है हमने। नेक्स्ट इससे स्टेप क्या लिख सकते हैं, एच ए ए यानी कितना होता है ए, क्योंकि ई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका उपयोग कर लिया अपन ने, तो एच इक्वल टू क्या मिल गया एच बी, यानी क्या आ गई हमारी राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो इस बार हम लेके चले थे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी क्या लेके चले थे हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, तो उससे हम पहुंच गए काहे पर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये थ्योरम दोनों तरफ से लागू होती है, एच ए इक्वल टू एच बी है तो ये इम्प्लाइज करता है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, उल्टा भी सही है, ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में तो एच ए इक्वल टू पक्का कितना होगा एच बी, तो ये पहली थ्योरम आपकी हुई। इसी पर ये चीज कॉमन हो गई आपकी, एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो दूसरा रिजल्ट अपन देखने जा रहे हैं कि इफ ए बिलोंग्स टू एच बी, ए पाया जा रहा है कहां एच बी में, एच बी कौन सा राइट कोसेट है बी एलिमेंट से बना, लेकिन पाया क्या जा रहा है ए, तो ये इंप्लाइज करता है पक्का एच ए इक्वल टू कितना रहा होगा एच बी, ये अपन को प्रूफ करना है।
आसान, कोशिश करते हैं अपन लोग. फर्स्ट हमने क्या ले लिया, दो पार्ट हैं, इससे ये इंप्लाइज करना है, इससे ये इंप्लाइज करना है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या ले लिया, ए बिलोंग्स टू एच बी. तो इससे अगली स्टेप क्या कह सकते हैं, अभी क्या था ये, ए बिलोंग्स टू एच बी. तो इसमें दोनों तरफ से हमने बी इनवर्स का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा एच बी बी इनवर्स. मतलब क्या किया है हमने, पोस्ट मल्टीप्लाई, पीछे से गुणा किया है, बाई बी इनवर्स. तो ये चीज मिल गई. व्हाट नेक्स्ट, इससे ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स. ये क्या चीज अपन ने यूज किया है, एसोसिएटिव ला. तो ये चीज मिल गई. अब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनवर्स का गुणा अपन यूज कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एच बी बी इनवर्स यानी ई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्सेस. तो ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, एच ई में. और एच ई तो कितना होता है, केवल एच, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो हमें मिल गया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. अब यहीं से तो पिछले में शायद अपन ने शुरू किया था, तो इसके बाद ये वाला प्रूफ उठा लें. नाउ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. नाउ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो पक्का इससे तैयार हुआ कोसेट ठीक एच के बराबर मिलेगा. फिर हमने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये सिंपल एनालिसिस अभी एक्सप्लेन करी थी वो यूज कर ली, तो हमें क्या मिल जाएगा, एच ए इक्वल टू एच बी. यही तो हमें प्रूफ करना था. तो राइट हैंड साइड पे पहुंच गए हम. तो हम कहां पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए. अब उल्टा हमें करना है, कन्वर्सली इफ एच ए इक्वल टू एच बी. अब राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, देन हमें शो क्या करना है, देन टू शो ए बिलोंग्स टू एच बी. आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिए. वी नो दैट ऑलवेज, हमेशा ए बिलोंग्स टू एच ए. हालांकि ये मैंने पहले आपको नहीं बताया, अपन देख लेते हैं. एच ए के मेंबर क्या होते हैं थोड़ा बताइए. एच मान लीजिए क्या है इसमें मेंबर, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एंड सो ऑन एच एम है क्या. एच इज ए सब ग्रुप, और चूंकि ये सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गई होगा. तो मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ई. लेकिन यहां तो हम नाम एच टाइप दे रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक मेंबर है, कौन सा, ई. मान लीजिए कौन है वो, एच थ्री. ये मेंबर है आपका ई, कोई ना कोई तो आइडेंटिटी है. अब हमने एच ए बनाया. एच ए बनता कैसे है, एच वन ए इंटू एच टू एच थ्री ए यानी ई ए एंड सो ऑन एच एम ए. तो ये ई ए कितना हो जाएगा आपका, ई ए यानी ए, क्योंकि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया, एच ए में पाया जा रहा है ए. तो हमने वही चीज लिखी है यहां पर, वी नो दैट ऑलवेज ए बिलोंग्स टू एच ए. ए हमेशा काहे में पाया जाता है, एच ए में. बट हियर, लेकिन यहां तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या लेके चल रहे हैं, एच ए इक्वल टू एच बी. तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ए काहे में भी पाया जाएगा, एच बी में. ए हमेशा काहे में पाया जाता है, एच ए में. यहां पर हमें क्या कंडीशन दी है, एच ए इक्वल टू एच बी. तो वो जब बराबर है, जब इसमें पाया जा रहा है तो इसमें भी पाया जाएगा. तो ये कन्वर्स पार्ट हो गया अपना. तो इस तरह से इस चीज का हमें प्रूफ करना था. तो ये दो थ्योरम्स हो गई जो कि कोसेट्स के ऊपर अपन को देखना थी. इन कोसेट्स की थ्योरम के बाद अपन देखना चाहेंगे एक लंबी चौड़ी थ्योरम है आपकी, थ्योरम है थ्री. एनी टू कोसेट्स, कोई भी दो कोसेट्स उठा लें, अब राइट है तो राइट और लेफ्ट है तो लेफ्ट, एनी टू कोसेट्स आर इधर या तो कैसे होते हैं, टोटली डिसजॉइंट और प्योरली आइडेंटिकल. दो कोसेट्स पकड़ें तो या तो पूर्णतः वो कैसे होते हैं, डिसजॉइंट, अलग अलग, यानी उनमें जॉइंट नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. और या फिर क्या होते हैं, पूर्णतः आइडेंटिकल, पूर्णतः समान, मतलब बीच की स्थिति नहीं रहेगी.
कि एक आध दो एलिमेंट कॉमन है, एक आध दो नहीं है, या तो पूर्णतः अलग अलग होंगे या पूरी तरह से समान होंगे। क्रिकेट मैच की तरह नहीं होगा कि जीत हार के अलावा तीसरी चीज़ भी हो सकती है कि मैच ड्रॉ हो गया, या तो केवल दो ही चीज़ होंगी, या तो टोटली डिसजॉइंट होंगे या प्योरली आइडेंटिकल होगा। तो ये थ्योरम अपन को करना है। तो यस, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी का, इसलिए वी कैन फॉर्म कोसेट्स, हम कोसेट्स तैयार कर सकते हैं ऑफ एच के इन जी। वी हैव टू शो हियर, यहां हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू शो हियर, यहां हमें क्या दर्शाना है कि कोई भी दो कोसेट्स उठाएं तो या तो पूरी तरह से डिसजॉइंट होंगे या पूरी तरह से आइडेंटिकल होंगे। देन वी हैव टू शो हियर, तब यहां हमें दर्शाना है एनी टू कोसेट्स, कोई भी दो कोसेट्स उठाएं अपन, एच ए एंड एच बी, एच ए एंड एच बी ऑफ जी के आर या तो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे या फिर प्योरली आइडेंटिकल होंगे, या तो पूर्णतः अलग अलग होंगे या पूर्णतः समान होंगे। कैसे प्रूफ करेंगे अपन? फर्स्ट आखिरकार सेट सी तो हैं, तो या तो अलग अलग होंगे और या फिर समान होंगे, या तो अलग अलग होंगे या अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग नहीं होने में कई स्थिति हो सकती हैं कि उनमें दो एलिमेंट कॉमन है कि तीन है। यदि हम सेट को फिगर के हिसाब से बनाएं तो ये हो गया डिसजॉइंट का नोटेशन कि अलग अलग पड़े हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यदि ये डिसजॉइंट नहीं है, यानी जॉइंट है, जॉइंट में कई स्थिति हैं कि भाई इनमें कॉमन दो ही एलिमेंट है, या हो सकता है और अंदर तक मार कर रहा हो तो पाँच छः एलिमेंट कॉमन है, या और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दो ही स्थिति बनती है, या तो ये डिसजॉइंट है या डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट है तब तो हमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना, डिसजॉइंट है हाँ, लेकिन डिसजॉइंट नहीं है मतलब जॉइंट है, जॉइंट है, जॉइंट में कई स्थिति हो सकती है, तब हमें प्रूफ करना है कि फिर वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो फर्स्ट रेज्यूम दैट एच ए एंड एच बी आर, एच ए एंड एच बी आर डिसजॉइंट, यदि वो डिसजॉइंट है देन नथिंग टू प्रूफ, है डिसजॉइंट देन नथिंग टू शो, तब तो हमें कुछ चीज शो ही नहीं करना है। अब दूसरी स्थिति जो हो सकती है उस पर अपन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए और तब फिर अपन इसकी जो दूसरी स्थिति है कि मान लीजिए ये डिसजॉइंट नहीं है मतलब जॉइंट है, जॉइंट में एक भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी और कई भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में अपन शो करेंगे कि हाँ पक्का फिर ये कैसा होगा, आइडेंटिकल। तो अपन ने ब्रेक के पहले बात करी थी कि दूसरी स्थिति पे विचार करना है, दूसरी स्थिति आपकी क्या है कि वो डिसजॉइंट नहीं है, और इफ एच ए एंड एच बी आर, एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंट, यहाँ इंग्लिश के हिसाब से देखिएगा डबल निगेशन लगा है, मेन वर्ड है आपका जॉइंट, डिसजॉइंट मतलब डिस उल्टा हो गया उसका, और आगे भी नॉट लगा है तो माइनस माइनस गणित के हिसाब से हो गया प्लस, यानी जॉइंट, दैट इज नॉट डिसजॉइंट, दैट इज जॉइंट, दैट इज हैव, यानी वो रखते हैं, कोई दो सेट्स जॉइंट हैं तो कितने एलिमेंट कॉमन रखते हैं, गृह हालत में एक तो रखेंगे ही रखेंगे, दैट इज दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा, उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा। तो मान लीजिए वो कौन है, लेट इट बी मान लीजिए वो सी है, दैट इज हम कहना क्या चाह रहे हैं कि वो सी दोनों में, सी का ए में भी बिलोंग कर रहा है, एच ए में भी बिलोंग कर रहा है, और सी का ए में भी बिलोंग कर रहा है, एच बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, एच ए के मेंबर तो कैसे होते हैं, स्मॉल एच वन ए, एच टू ए, एच थ्री ए, एच फोर ए, इसी तरह से इसके क्या होते हैं, एच वन बी, एच टू बी, तो इन्हीं में से किसी एक के बराबर होगा, तो सी की वैल्यू क्या है, कुछ कुछ
एच वन ए टाइप, यहां से सी की वैल्यू क्या मिल रही है, एच टू बी टाइप मिल रही है। जहां पर एच वन हो या एच टू हो, आखिरकार ये मेंबर्स कहां के हैं, कैपिटल एच के। वेयर पक्का एच वन और एच टू कहां के मेंबर हैं, एच वन हो या एच टू है, दोनों के दोनों मेंबर हैं एच के। चलिए, बहरहाल ये एलिमेंट कॉमन है, यानी एक दूसरे में दोनों में पाया जा रहा है, और वो कॉमन कौन सा है, सी। तो सी की दोनों वैल्यूज को हमने बराबर किया। तो सी की दोनों वैल्यूज कौन कौन सी हैं, पहली है एच वन ए और दूसरी वैल्यू है कितनी, एच टू बी। तो ये अगले स्टेप में क्या इंप्लाइज करती है, इट मीन्स एच वन इनवर्स इन टू एच वन ए दिस इज इक्वल टू एच वन इनवर्स इन टू एच टू बी। मतलब हमने क्या किया है, प्री मल्टीप्लाई किया है पहले से, प्री पूर्व गुणा, प्री मल्टीप्लाई बाई एच वन इनवर्स। तो एच वन इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई इसको किया है, तो ये चीज मिल गई। इससे नेक्स्ट स्टेप एसोसिएटिव ला लगा दें तो क्या हो जाएगा, एच वन इनवर्स एच वन इन टू ए दिस इज इक्वल टू एच वन इनवर्स एच टू इन टू बी। ये हमने क्या यूज किया यहां पर, एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव ला यूज करके हम यहां तक पहुंच गए। व्हाट नेक्स्ट, इससे अपन अगला क्या लिख सकते हैं, एच दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन टू ए इज इक्वल टू एच वन इनवर्स एच टू इन टू बी। तो कुछ भी नहीं, इनवर्स का गुण हमने यूज किया है, एच वन इनवर्स इन टू एच वन, यानी रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अपन मिटा सकते हैं अब। एंड व्हाट नेक्स्ट, इससे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी का गुण यदि हम यूज कर लें, ई का किसी भी एलिमेंट से गुणा करें तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई इन टू ए सेम एज ए, दिस इज इक्वल टू एच वन इनवर्स एच टू इन टू बी। एंड व्हाट नेक्स्ट, अब हम कोसेट बना रहे हैं, ये मेंबर इसके बराबर है तो इससे तैयार हुए कोसेट्स भी बराबर होना चाहिए। तो कोसेट्स बराबर अपन ने क्या लिए, एच ए इक्वल टू एच एच वन इनवर्स एच टू इन टू बी। तो ये कोसेट्स बनाए हमने केवल। एंड व्हाट नेक्स्ट, इससे हम क्या कह सकते हैं, एच ए इक्वल टू एच एच वन इनवर्स एच टू बी होल इन टू बी। ये क्या लगाया हमने, एसोसिएटिव ला, इसको कोसेट के साथ में ले आए तो ये कहलाता है आपका एसोसिएटिव ला। और इससे नेक्स्ट क्या मिल जाएगा हमें, एच ए इक्वल टू, इसके बाद अपन यहां पर आ गए, एच ए इक्वल टू ये कहां का मेंबर है, एच वन कैपिटल एच का, एच टू कहां का मेंबर है, कैपिटल एच का, एच क्या है, सब ग्रुप यानी खुद में ग्रुप, और चूंकि ये ग्रुप है इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी से इनवर्सेज भी पाए जाएंगे और इनका गुणा भी फिर से भीतर है एच के, और एच के भीतर के ही मेंबर से यदि हम कोसेट खड़ा करते हैं तो वो कितना आता है, ठीक बराबर एच के। तो क्या तर्क हमने यूज किया यहां पर, कि ये बराबर कितना हो जाएगा, एच बी। ऐसा क्यों, चूंकि एच वन मेंबर था एच का, एच खुद में क्या है, सब ग्रुप है, एच खुद में क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है यानी खुद में ग्रुप है, ग्रुप है, इसलिए पक्का इनवर्सेज एग्जिस्ट, और इनवर्सेज जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एच वन इनवर्स बी कहां का मेंबर है, एच का, इसलिए बाई क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या मिल जाएगा, एच वन इनवर्स भी एच का है, एच टू भी तो मेंबर एच का था, और दोनों मेंबर एच के हैं तो इनका गुणा भी फिर से भीतर काहे के होगा, एच के। और उसी एच के मेंबर से हम क्या बना रहे थे, कोसेट, तो ठीक बराबर काहे के निकलेगा, एच के। तो ये हो गया एच बी, यही हमें प्रूफ करना था। मतलब हम लेके चले एच ए एच बी है तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट मीन्स जॉइंट, और जॉइंट है इसका मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट है इसका मतलब क्या हो गया, एक भी कॉमन हो सकता है, दो भी, चार भी, छह भी, लेकिन हमने क्या देखा, फिर एक दूसरे के ठीक बराबर आते हैं, दैट इज क्या मिला हमें, एच ए एंड एच बी आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। तो ये थ्योरम थी कि कोई भी दो कोसेट्स या तो प्योरली डिसज्वाइंट होते हैं या प्योरली आइडेंटिकल होते हैं। इसके बाद मुख्यतः अपन को देखना है क्या, लैग्रेंजेस थ्योरम, एक तो लैग्रेंजेस थ्योरम, और एक देखना हमें फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, और उसके बाद हमें करना है
नॉर्मल सब ग्रुप और उसके बाद आना है आपका कोशेंट ग्रुप। तो ये चीज़ें हैं। अब आज के हिसाब से समय उतना नहीं है, अपन अगली कक्षा में देखेंगे, तो कोई एक चीज़ अपन यहाँ कवर करना चाहेंगे। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं काहे की नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन आगे जब अपन इस पर बेस थ्योरम्स देखने जाएंगे तो ये चीज़ें याद आपको रखना है। व्हाट इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप? एच कोई भी एक साधारण भी सब ग्रुप है बड़े ग्रुप जी का। इफ एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी के हैं, वी कैन फॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या कोसेट्स ऑफ काहे के एच के इन जी, एच के कोसेट्स तैयार कर सकते हैं काहे में, तैयार कर सकते हैं जी में। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि इफ ए हो बी हो कोई दो मेंबर हैं जी के, देन हम कहते हैं क्या कि एच ए एंड एच बी आर कोसेट्स, एच ए एच बी आर कोसेट्स ऑफ एच के हैं इन जी। ये तो हमने कोसेट्स अलग अलग मेंबर से बनाए। अब वही सेम मेंबर ए लें तो उससे भी दो तरह के कोसेट बनते हैं, एक बनता है लेफ्ट कोसेट और दूसरा बनता है राइट कोसेट। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि एच ए एंड ए एच आर कॉल्ड कहलाते हैं क्या राइट, पहले हमने राइट लिखा है, राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स, एंड लेफ्ट कोसेट्स काहे के हैं ये लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच के हैं इन जी। इन जनरल पहले भी मैंने आपको बताया था, व्यापक रूप से देखें जब तक हमें कुछ विशेषता पता नहीं है तो इन जनरल एच ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए एच, एच ए इज नॉट इक्वल टू ए एच। बट परंतु इफ जी इज अबिलियन, इफ जी इज अबिलियन अबिलियन देन जरूर हुआ करता है क्या हमारे पास एच ए इक्वल टू ए एच। तो ये तो अबिलियन का गुण है, ये तो अबिलियन का गुण है। अब हम क्या कहने जा रहे हैं, बट देयर एग्जिस्ट, यहां पाए जाते हैं सम सब ग्रुप्स एच ऑफ द ग्रुप जी के सच दैट, जो के बावजूद इसके के जी का हमें सपोर्ट अबिलियंटी का यानी कम्यूटेटिव ला का मिले या ना मिले, अपनी दम पे क्या देते हैं लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर देते हैं। मतलब हमने क्या कहा, इन जनरल तो लेफ्ट राइट कोसेट बराबर नहीं होते, लेकिन कुछ सब ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बावजूद इसके कि जी अबिलियन हो या ना हो इसकी चिंता नहीं करते, अपनी दम पे क्या देते हैं लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर। तो बट देयर एग्जिस्ट सम सब ग्रुप्स एच ऑफ जी सच दैट, जो कि अपनी दम पे एक्स एच बराबर कितना देते हैं एच एक्स, एकाध के लिए नहीं देते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। सच सब ग्रुप्स, ऐसे ही सब ग्रुप्स आर कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप्स। शॉर्ट में इसे आगे से अपन लिखेंगे NSG। तो ये जो सब ग्रुप्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो कंडीशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो गई, कंडीशन फॉर कि भाई कोई सब ग्रुप है एच वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, इसकी पहली कंडीशन क्या है कि एक्स एच बराबर ये अपनी दम पे दे एच एक्स, बावजूद इसके कि ये जी जो ग्रुप है वो अबिलियन है या नहीं है इसकी चिंता नहीं कर रहा वो। इसी को हम कन्वर्ट करें तो दूसरी कंडीशन एक और बन जाएगी, क्या उसके लिए अपन इसको देखते हैं। एक्स एच हमने राइट में एक्स इनवर्स से गुणा कर दिया तो दिस इज एच एक्स एक्स इनवर्स हो जाएगा, मतलब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है बाई एक्स इनवर्स। व्हाट नेक्स्ट, इससे क्या मिल जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स दिस इज इक्वल टू एसोसिएटिव ला लगाएं तो पास पास आ जाएगा, अगले स्टेप में ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू एच ई और एच ई यानी एच। तो ये सेकंड हो गया आपका, है वही कंडीशन कन्वर्ट होती गई। अब थोड़ा समझिएगा इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, एक्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये सेट है एक्स स्मॉल एच एक्स इनवर्स ये इसका है, लेकिन ये तो बराबर इसके, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें पाया जाएगा तो दिस बिलोंग्स टू एच। तो ये तीसरी कंडीशन अपनी कन्वर्ट हो गई, ठीक। और ये काहे के लिए है,
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच. तो सबसे ज्यादा ये यूज होती है. कोई भी साधारण सब ग्रुप हम एच उठाएं बड़े ग्रुप जी का, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है. कब कहलाता है बच्चों? जबकि एक्स एच एक्स इनवर्स फिर से भीतर काहे के पाया जाए एच के. बड़ी स्ट्रांग कंडीशन है, क्योंकि हम बीच में तो कहां का मेंबर रखें? एच का. लेकिन दाएं बाएं हमने कहां का मेंबर चिपकाया है? जी का. और जी के मेंबर बाहर भी हो सकते हैं एच के. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के दम पे ये चीज नहीं हो सकती कि इन तीनों मेंबर्स का गुणा लेकिन फिर से बीच में आके काहे के गिरे एच के. मान लीजिए ये जी है, ये एच है सब ग्रुप, तो एक्स तो यहां भी हो सकता था, तो एक्स इनवर्स भी बाहर हो सकता है. लेकिन हम चाह रहे हैं कि इन तीनों का गुणा फिर से भीतर आके एच के गिरे. ऐसा यदि कोई सब ग्रुप है तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाया करता है. समझ में आई ये चीज? तो ये तीन कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप पे हुई. अगली कक्षा जब भी अपनी होगी तो अपन उसमें देखेंगे उधर जो लैग्रेंजेस थ्योरम का पार्ट बचा है आपका, फॉर्मेट थ्योरम का, और इसके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप पे भी कुछ थ्योरम देखना है. तो इन चीजों को रिवाइज करके रखिए. धन्यवाद.